दोस्तों नमस्कार। सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्नोत्तरी का ये चौथा भाग है और इसमें कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली हम हल करेंगे। और आज पहला सवाल यह है कि गणित शिक्षण की प्रमुख या मुख्य विधि है, तो आप देखिए यहाँ पर मुख्य विधि कौन सी है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, ये सभी। तो सही जवाब है ये सभी। दूसरा है क्वेश्चन, तर्क प्रधान विधि है। अब देखिए तर्क प्रधान विधि कौन सी है, तो आप देखिए खोज विधि, आगमन विधि और आप देखिए व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि। तो तर्क प्रधान जो होती है वह विश्लेषण विधि होती है। इससे संबंधित हमने सभी विधियों से संबंधित वीडियो भी बनाया है, आप उन वीडियो को जरूर देखें, आपसे सब कुछ बनेगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है व्यवहारिक, यहाँ व्यवहारिक गणित का भाग है। तीसरा क्वेश्चन है व्यवहारिक गणित का भाग है, कौन सा है व्यवहारिक गणित का भाग। पहला नंबर संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। सही जवाब है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, व्यवहारिक गणित का एक भाग होता है। चौथा क्वेश्चन है आगमन विधि का आधार है, जो आगमन विधि है उसका आधार क्या है, तर्क, निर्णय, उदाहरण, लक्ष्य। तो सही जवाब है तर्क, तर्क आगमन विधि का आधार है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। जब हम गणित शिक्षण का अभ्यास कार्य देते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, सभी बातें सही है और द नंबर उपरोक्त सही सही जवाब है। अगला छठवां नंबर का देखते हैं हम कि यहाँ पे वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है, प्रदर्शन विधि कहते हैं, प्रयोगशाला विधि कहते हैं, या फिर विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं, या संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। सही जवाब है इसका जो पहला है, प्रदर्शन विधि कहते हैं। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है कि शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है, जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें सबसे अंत का चरण कौन सा होता है, सबसे अंत में क्या होता है, मूल्यांकन होता है, अधिगम होता है, उद्देश्य होता है, अनुदेशवाद होता है। तो सबसे अंत का चरण मूल्यांकन होता है, इसके बाद ही कोई कार्य होता है। आठवां क्वेश्चन है अंक गणित शिक्षण का महत्व है, जो अंक गणित है इसके शिक्षण का क्या महत्व है, तो घरेलू कार्य हेतु होता है, मजदूरी व व्यवसाय हेतु होता है, व्यवहारिक उपयोग हेतु और ये सभी। तो देखिए घरेलू कार्य के लिए भी अंक गणित का महत्व होता है, मजदूरी व व्यवसाय के लिए भी होता है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी होता है, इसलिए ये सभी कार्यों के लिए अंक गणित का महत्व होता है। नौवा क्वेश्चन है गणित को कहा जाता है, जो गणित है उसको क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तियों शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मस्तिष्क का व्यायाम गणित को कहा जाता है। दसवां क्वेश्चन है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। तो सही जवाब है, सही जवाब होगा हमारा वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।